गुड मॉर्निंग जी, कैसे हो सभी? बढ़िया, बस अभी जा रहे अर्जेंट में भोसरी में। गाड़ी मिल चुकी है भाई साहब, अपने को टू व्हीलर मिल चुकी है। हमारे ऊबर के ड्राइवर आ चुके हैं, निकलते हैं और चालू करते हैं मतलब आज का प्रोग्राम। भाई साहब, अपने ऊबर के काका साहब बोल रहे कि मुझे कैमरा में ले आए नहीं। एक बार काका साहब एक बार हाई कर दो इधर देख कर। चले, काका साहब भी खुश और हमें लेके जा रहे हैं अभी भोसरी में और जा रहे भाई साहब। तो गाड़ी लेके आगे की प्रवास आपको बताएगी। अभी जा रहे अभी क्या वही रिपीट बोल। हाँ जी भाई साहब, पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पर। और काका जी भैया जी का है? दादाजी क्या? दादाजी बहुत ही रंगीले आदमी है। दादाजी हाँ वही ना जी, होने जी में टाइम है क्या? कम भी 10-20 साल टाइम है। टाइम है क्या? ओके 10-20 साल अभी लड़कों के बच्चे होने के लिए ऐसा है क्या? हाँ सही है सही। दादा माल दो माल। हाँ पहले माल देना है काका जी को। भैया का है दादा को? बहुत अच्छा सफर रहा दादा साहब, मस्त है। निकली भाई, प्रणव भाई आ चुके अपने। हमें फ्लैट सर्च करना है, मुझे अभी एक दो महीने के बाद यहाँ पर स्टे करना है पुणे में। तो हम हिंजेवाड़ी के आसपास, जैसे कि ताथोड़े हो गया, बानेर हो गया, औंध हो गया, बालेवाड़ी वगैरह, तिथे आम्ही फ्लॅट बघून राहिलो। मला तिथं माझा स्टुडिओ पण चालू करायचा आहे आणि मला खूप मोठा बिझनेस पण घेऊन आहे, खूप मोठा नाही आपला म्हणजे असं बिझनेस आणायचा आहे तिथला। तर त्यासाठी आम्ही आता फ्लॅट सर्चिंग साठी जातोय आणि हा सीन कधी तुम्ही ओळखी वाळखी मध्ये असेल तर सांगा भाऊ साहेब, नाही तर तुम्ही बघणार आज जर भेटला तर मग बघू। आता आमची गाडी वगैरे, गाडी आठवते का तुम्हाला? त्या सर्वात पहिले जेव्हा मी आलो होतो त्यावेळेसची गाडी। धन्यवाद वैभव भाऊ गाडी वगैरेचं नियोजन केल्याबद्दल। आता टेन्शन नाही, गाडी आली म्हणजे तुम्हाला माहिती गाडीमुळे काय काय विषय झाले माझ्यासोबत। चालेल, काय विषय नाही तू का? हा हा ओके चालेल दादा साहेब, धन्यवाद। एकदा हाय तर करून द्या आमच्या कॅमेराचं बोल, बाय करून द्या। ओके जी भाई साहब, अभी हम जा रहे हैं अपने राहुल भाई के पास क्योंकि प्रणव भाऊ को और मुझे थोड़ी सी कपड़ों की शॉपिंग वगैरह करनी है। तो यहाँ से 9 मिनट बता रहा एरिया मुझे बहुत सही लगता है यार। इस एरिया का मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता है, पर देखो बाय द वे गाड़ी पहले जैसी एक नंबर कंडीशन में, ऐसा नहीं कि मतलब ब्रेक का थोड़ा सा इश्यू, बट ओवरऑल मेरा काम चलेगा इस तरह की है। भाई पहुंच चुके हैं अपने राहुल भाई के दुकान पर। राहुल भाई की नई गाड़ी भी दिख रही है यहाँ पर। अपाचीज है ना रे जगड़े पर, आम जगड़े पर अपाचीज है। आयत का दादा साहेब यू का गाड़ी पण आम्ही आपाचीच घेऊन आलेलो आहे ना। काय भाई बस का म्हणजे कंग्रॅच्युलेशन भाऊ, गाडी वगैरे एक नंबर दिसते गाडी। अजय भाई जिस काम के लिए कपड़ो वगैरह खरीद के, मतलब मिलते हैं आपसे, तब तक आप देखो मतलब कुछ तो देखो टाइम लग देखो यार। भाई साहब सब कार्यक्रम हो चुका है, अभी अब निकल रहे हैं। एक नंबर सगळे वाली कपड़े की शॉपिंग वगैरह। तुमचं सांगा ना चिंतामणि कलेक्शन कुठं आलं काय आलं थोडंसं सांगा। आमचे गरीब वगैरे कोणी आले, एक दोन जण येणार तर नाही पण भविष्यात तुमच्या नावावर डिस्काउंट देऊ असं आहे का? चालेल काही विषय नाही आहे। राहुल भाऊ येतो, धन्यवाद, भेटूया। हा जेवण वगैरेचं नियोजन बघतो कुठं। कपड़ों की शॉपिंग तो हो चुकी है, अभी खाने का बंदोबस्त करना है, फिर बाद में हम निकलेंगे डायरेक्ट हिंजेवाड़ी के लिए। हाँ जी भाई, पहुंच चुके अपनी वर्क लोकेशन पर। वहां पर जाके अगर मुझे जमेगा तो आपसे बात करता, कुछ वेडिंग के काम से पोस्ट प्रोडक्शन के वो पूरा करके मैं आपसे मिलता अभी डायरेक्ट। चलो यहाँ पर गाड़ी वगैरह लगा देते। श्रावण भाऊ भी हमारी वेट कर रहे हैं, वो भी हमारे ब्लॉग देखते, पता है क्या आपको? अब अभी बच्चों के 6:15 और थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा प्रणव भाई के स्टे का, थोड़ा सा दिक्कत चल रहा क्योंकि मैंने लेट कर दिया है भाई को। पर ऐसा नहीं है,
सॉर्ट आउट करेंगे, आपको बताते आगे आगे रोड पर चलते चलते। कॉल लगा रहे भाई प्रेम भाई को जो अपने स्वारगेट स्वारगेट के रहने वाले, बताता भाई सारा कंफ्यूजिंग है तुमको अच्छे से समझाता मैं। अभी मैं जा रहा सीधा शिवाजी नगर साहिल भाई के फ्लैट पर, क्योंकि यार मतलब एनर्जी थोड़ी सी डाउन हो चुकी है। हमारे ऋषिकेश भाऊ मिलना चाहते थे। ऋषिकेश भाई का मुझे कॉल आया था, वो मिलना चाहते थे मुझे, बट यार मेरी अभी एनर्जी ना पूरी डाउन हो चुकी है। मतलब मुझे अभी ऐसे जाके डायरेक्ट कुछ सोने का है, मुझे अभी जाके डायरेक्ट, तो मैं यहाँ से सीधा जा रहा अभी साहिल भाई के रूम पर। तो इसी तरह की थी हमारी आज की दिनचर्या। क्या ही बोलो यार, मतलब मुझे लगता नहीं कि इतना इंटरेस्टिंग ब्लॉग बना होगा, पर आपने यहाँ तक देखा बहुत बहुत शुक्रिया यार। पता है कंटेंट थोड़ा सही नहीं आ रहा, मे बी मैं अगले कुछ दिन ब्लॉग भी ना डालूं, क्योंकि मैं इस पर सेटिस्फाई नहीं अभी, क्या ही बोलूं मैं। तो करेंगे मतलब अभी देख लिया ये वीडियो बन ही गया होगा, तो फिर बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। कर दीजिएगा शेयर, मत कीजिए लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब भी कीजिएगा आपको अगर अच्छा लगा होगा तो। कमेंट में बताइएगा क्या क्या कमियां है। बाकी प्रणव भाई के साथ कल वाला जुगाड़ करेंगे अपन, फ्लैट वगैरह देखना, हिंजेवाड़ी बाने उस साइड में हमें फ्लैट चाहिए, पर मुझे यहाँ पर मार्च मतलब फेब में शिफ्ट होना है, तो उससे पहले मतलब क्यों ले, मतलब तब तक प्रणव भाई के लिए कुछ जुगाड़ करने का था, मतलब अभी समझ लो आप ऐसा पूरा सिनारियो है। कल देखेंगे प्रणव भाई के लिए क्या कर सकते हैं, आज नहीं हो पाया, बट शुक्रिया देखने के लिए। ये तो मी, बाय बाय।